हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th. आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर. बच्चों, आज हम जो है हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे. चैप्टर 2 जो है आपका, उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद. ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया. इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप. ये हम बाद में पढ़ेंगे. तो ये आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है. आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. पहले तो आप अपनी बुक रीड करेंगे ध्यान से, उसके बाद आप मेरी वीडियो को देखेंगे, उसको समझेंगे. तो ये आपका चैप्टर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हम भारत में किस तरीके से लोगों के मन में जो एक राष्ट्रवाद की भावना आई. राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? भक्ति की भावना. ठीक है, अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान और देशभक्ति की भावना जो होती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद. तो क्या कारण रहे भारत में, जनता में जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई? तो इसमें टॉपिक वाइज हम सारा पढ़ेंगे. जैसे पहला टॉपिक है आपका प्रथम विश्वयुद्ध के प्रभाव. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से लेकर 18 के बीच हुआ था. उस फर्स्ट वॉर के वजह से क्या इफेक्ट हुए इंडिया में, ये हम पढ़ेंगे. तो युद्ध के कारण जो है रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर. ठीक है, तो जब अंग्रेज़ जब ये कुछ कंट्रीज़ के बीच में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा शुरू हो गया. इसे पूरा करने के लिए जो है कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए. इसके अलावा राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा. युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई. ठीक है, जो चीज़ 1 रुपये की थी वो 2 रुपये की हो गई है, डबल हो गई कीमतें. 13 से 18 के बीच दाम दुगने हो गए. दाम बढ़ने से आम आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई. ठीक है, और जो गांव के इलाके के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती जो है सेना में भर्ती करने लगे. जो जवान युवा लोग थे उनको जो है ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनको गुस्सा आ गया. ठीक है, एक तो भाई टैक्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, राजस्व बढ़ा रहे हो, ठीक है, दाम भी तुमने दुगने कर दिया, और ऊपर से तुम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो, हमारे लोगों को जो है तुम ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हो. तो जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अंग्रेज़ों के ऊपर. भारत के कई भागों में उपज जो है ख़राब होने के कारण भोजन में कमी आ गई. इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई, बहुत जो सबसे गंभीर बीमारी थी. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण कम से करीब 120 से 130 लाख तक लोग मारे गए थे. तो ये सारा का सारा प्रभाव पड़ा इंडिया के ऊपर. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रथम विश्वयुद्ध द्वारा भारत में निर्मित नई आर्थिक स्थिति, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा भारत में कौन सी चीज़ें निर्मित हुई. भारत में मैनचेस्टर आयात में गिरावट आई. ठीक है, क्यों आई? क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध उत्पादन के साथ व्यस्त थी, ताकि भारतीय मिलों को विशाल घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके. जैसे जैसे युद्ध को लंबा होता चला गया, भारतीय कारखानों को युद्ध की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए बुलाया गया. परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नए कारखाने स्थापित हो गए, नए श्रमिकों को नियुक्त किया गया और सभी को लंबे समय तक काम करने के लिए बनाया गया. फिर क्या हुआ, युद्ध के बाद ब्रिटेन से सूती कपड़े का उत्पादन जो है ढह गया. ठीक है, नाटकीय ढंग से निर्यात में जो है गिरावट आ गई, लो हो गया उनका निर्यात, क्योंकि यह अमेरिका जर्मनी जापान के साथ आधुनिकरण और प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था. इसलिए भारत जैसे उपनिवेशों के अंदर स्थानीय उद्योगपतियों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया. अब हम बात करते हैं सत्याग्रह. देखिए, उसके बाद जो है, ये तो हमने बताया आपको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या परेशानियाँ आई. अब इसके बाद आता है सत्याग्रह. सत्याग्रह आंदोलन जो है ये गांधी जी ने चलाया था. ठीक है, इसका मतलब क्या है हम समझेंगे. तो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नया तरीका अपनाया. यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, यानी कि अहिंसा के बल पर वो सत्य की जीत होगी. गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है, अगर वो सच्चा है तो. ठीक है, अब महात्मा गांधी और सत्याग्रह का विचार. इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे. ठीक है, गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है. सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया, यानी सत्य के लिए आग्रह. सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह. गांधी जी का ये मानना था कि यदि कारण सत्य है, यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो अत्याचारी से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है. उनका कहना यह था कि अब अहिंसा के बल पर ही अपनी सत्याग्रह लड़ाई जीत सकते हैं. उत्पीड़ित को सहित लोगों की सच्चाई देखने के लिए राजी होना पड़ा. सत्य अंततः जीत के लिए बाध्य था.
भारत में सबसे पहले जो है, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था, तो वो चलाया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। लेकिन इंडिया में सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो 1916 में हुआ था, चंपारण में, बिहार में है चंपारण, और ये था वृक्षारोपण और श्रमिकों की दमनकारी वृक्षारोपण व्यापार प्रणाली के खिलाफ, यानी कि नील बागान मालिकों के खिलाफ था ये, क्योंकि उनसे वो जबरदस्ती जबरन नील की खेती करवाते थे। 17 वाला कहाँ हुआ था, वो किसानों को समर्थन देने के लिए हुआ था, ये हुआ था खेड़ा में, ये है उसमें अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। ये था कि फसल वहाँ की ख़राब हो गई थी तो उन्हें राजस्व चुकाना पड़ता था, उसको ख़त्म करने के लिए था ये। फिर हुआ था 1918 में, ये हुआ था अहमदाबाद में, ये हुआ था सूती मिल कारखाना में, जो सूती मिल कारखाना के जो मकान मालिक हैं उनके अगेंस्ट था, मज़दूरों के बीच में हुआ था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और काम के घंटे सीमित कर दिए जाए। अब बात करते हैं हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ठीक है, और इसी से ही जो है असहयोग आंदोलन की थीम जो है इनको यहीं से मिलती है, असहयोग आंदोलन की थीम से ही मिली है। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो 1919 में पारित हुआ था, और इसको पारित करने वाले कौन है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने जो है बहुत ही जल्दबाजी में इसको पारित कर दिया था। काफ़ी लोग भारतीय लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे थे, ठीक है, किसी भारतीय सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया, फिर भी ये पारित हो गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत क्या था कि बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जाएगा, ये एक्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं छः, उसके बाद क्या हुआ, फिर 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। हड़ताल की आहन में भारी समर्थन हुआ, सब हड़ताल पर चले गए, अलग अलग शहरों में लोग समर्थन पर निकल पड़े, दुकानें बंद कर दी गई, रेल कारखानों के मज़दूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेज़ी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय किया, कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की कांड की। ये जो जलियांवाला बाग की घटना है, ये इसका कारण क्या था कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई, ठीक है, इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अंत उसके बाद क्या हुआ, अमृतसर में जो है मार्शल लॉ लागू हो गया, ठीक है, जिसकी कमान किसके हाथों में थी, जनरल डायर के हाथ में। फिर क्या हुआ, जलियांवाला बाग का एक दुखद नरसंहार हुआ था। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, सब लोग बैसाखी का मेला बनाने मेले में आने के लिए जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, पूरा जत्था लगा हुआ था, सब शरीक थे मेले में। चारों तरफ से जो है यह जो बाग है चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। जनरल डायर ने देखा कि मार्शल लगा हुआ है, सब भीड़ में इकट्ठे हैं, तो उसने क्या करा, आकर घेर लिया और वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी, ठीक है। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, जो सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। फिर आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता, गांधी ने सोचा कि अब आंदोलन को विस्तार की जरूरत है, इसे बहुत दूर तक हमें फैलाना है। तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी जी को लगा कि भारत में आंदोलन जो है विस्तार होना चाहिए, ये शहरों में भी होना चाहिए प्लस गाँव में भी होना चाहिए, ठीक है। उनका मानना था कि ऐसा तभी होगा जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे, तभी हमारा जो आंदोलन है वो व्यापक होगा। फिर उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें तुर्की हार गया था, ठीक है। ऑटोमन के शासक पर एक बहुत ज़्यादा कड़ी संधि थोप दी थी, ठीक है, उसमें उसके सारे पावर्स उनसे ले ली थी। ऑटोमन का शासक इस्लामी संप्रदाय का खलीफा हुआ करता था, ठीक है। खलीफा की तरफदारी के लिए बम्बई में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई, क्योंकि पूरे विश्व के मुसलमान जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि खलीफा जो है उनका एक हिंदू सॉरी मुस्लिम इस्लामी शासक था, ठीक है। तो उसमें हमारे जो भारत के मुसलमान थे वो भी खिलाफ़ हो गए। तब उसमें फिर क्या है, मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली ब्रदर्स थे, इन्होंने जो है, ये दो भाई थे, इस कमेटी के नेता थे खिलाफत के, वे चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें। फिर क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, इस प्रस्ताव को पारित किया। फिर आता है असहयोग आंदोलन।
ऐसे वो आंदोलन कैसे शुरू हुआ? उनकी जो पवित्र प्रसिद्ध पुस्तक थी स्वराज हिंद, ठीक है, 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में अंग्रेजी राज जो है वो इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसी सहयोग के कारण अंग्रेज़ जो है हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर खुद ही चरमरा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज़ों के पास भारत को छोड़ जाने के अलावा और भी कोई चारा नहीं रहेगा। तब जाके ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव क्या थे? अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। कैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि क्या करा उन्होंने, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो उन्होंने वापस कर दिया। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस कोड, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूलों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन के विभिन्न स्वरूप क्या थे? असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी, ठीक है। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की थी और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थीं। सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया, लेकिन विभिन्न लोगों के इसके विभिन्न अर्थ हैं। यानी कि जो ये असहयोग आंदोलन है, ये हर इलाके का अपना अपना मोटिव था, अपना अपना अर्थ था, उनका अपना अपना समझ थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जब लोगों ने सब कुछ वापस करना बंद कर दिया, काम पे जाना बंद कर दिया, उससे प्रभाव क्या पड़ा? उससे प्रभाव ये पड़ा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है, शराब की दुकानों को चुना गया, उन पर जो है पिकेटिंग की गई उनकी, ठीक है, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। उससे क्या हुआ कि 1921 और 22 के बीच में जो विदेशी कपड़ों का आयात था वो 102 करोड़ रुपए से घटकर कितना हो गया, 57, आधा रह गया बिल्कुल, ठीक है। और कई व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का वित्त विदेश में व्यापार करने से मना कर दिया, पैसा लगाने से मना कर दिया, ठीक है। लोगों ने आयातित कपड़े खरीदने बंद कर दिए, भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा और खादी का उपयोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। अब ग्रामीण इलाकों में ऐसे गोंदन कैसे चला? हर इलाके का अपना अपना मोटिव था, ये मैंने आपको शहरों का बताया। गांव में क्या हुआ था कि अवध गांव में बाबा रामचंद्र की अगुवाई में किसानों का आंदोलन उन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। किसके खिलाफ? तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि ये वो जमींदार थे जो अंग्रेज़ों की कठपुतली थे, उनसे जो है कर लेते थे, ठीक है, राजस्व लेते थे, जिन्होंने किसानों से अत्यंत उच्च किराए और विभिन्न प्रकार के अन्य उपायों की मांग की। किसानों को बिना किसी भुगतान के जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जबरन बंधुआ मजदूर बनाया गया। किसानों के पास कार्यालय की कोई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उन्हें नियमित रूप से बेदखल कर दिया जाता था ताकि वे पट्टे पर अपनी भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त ना कर सकें। किसानों की मांगें थी राजस्व में कमी, भिखारी का उन्मूलन और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करना, ठीक है, ये तो यहाँ पर था। अब हम बात करें गुडेम हिल्स के आदिवासियों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में 1920 के दशक की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन क्षेत्रों को बंद करने की, यानी कि वहाँ पर उन्होंने एक्ट लगा दिया कि कोई भी जंगलों में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन अगर आदिवासियों का जीवन तो वहीं से चलता है, जंगलों से, अगर वहीं पर एक्ट लगा देंगे तो जो आदिवासी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो उसके खिलाफ जो उन्होंने उग्र गुरिल्ला युद्ध आंदोलन चलाया, ठीक है, जिससे लोगों को अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से रोका जा सके या ईंधन की लकड़ी और फल एकत्रित किया जा सके। उन्हें लगा कि उनके पारंपरिक अधिकारों को नकारा जा रहा है, अंग्रेज लोग जो है उनके प्रारंभिक अधिकार जो है उनसे छीन रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको आदिवासियों के जंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं असम में बगान श्रमिक, यानी कि असम में जो चाय के बगान हैं उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बारे में उनका मानना ये था कि जो असहयोग आंदोलन है उसका मतलब है कि हमें आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि वे सीमित स्थान से स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर घूमने का अधिकार जिनमें वे संलग्न थे, यानी कि वे लोग जो हैं असम के बगान में काम करते थे, उन्हें घर भी जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि उस गांव से एक साथ एक कड़ी को बनाए रखना था कि जिससे कि वे आए थे, उनका मतलब ये था कि अब असहयोग आंदोलन आ रहा है और हम जो है अपने घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या था कि 1959 के अंतर्देशीय उत्प्रवास यानी कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जिसके तहत कोई भी बगान श्रमिक बगैर किसी अनुमति के बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है।
तो वास्तव में अनुमति शायद ही दी गई थी, कोई भी जो है अपने घर नहीं जा सकता था। जब उन्होंने ऐसे आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिक ने अधिकारियों को ललकारा और अपने घरों के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसमें भी क्या था, वे लोग घर के लिए रवाना तो हो गए, दीवारें कूद कूद कर वे चले गए रेलवे स्टेशन पर, लेकिन वहाँ पर जो है ट्रेनें बंद थी, हड़ताल चल रही थी, तो जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए और उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया और उन्हें वापस उन्हें वहीं पर ले जाया गया। उनके साथ ये हुआ। फिर आता है शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। अब जितने चरम स्थिति पर असहयोग आंदोलन पहुंचा, लेकिन वो स्लो भी पड़ गया। स्लो क्यों पड़ गया, चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा बहुत अधिक महंगा होता था। कहने का मतलब है जो फैक्ट्री से कपड़े बन के आते थे वो सस्ते होते थे और जो खादी कपड़े होते होते वो बहुत महंगे होते थे और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम ये हुआ कि वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। ठीक है, वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जंग के किया जा सके। यानी कि जो लोग नौकरी छोड़कर बैठे थे अब उन्हें जॉब कहाँ से मिली, क्योंकि उनके पास कोई भारतीय संस्थान नहीं थे कि वो वहाँ जाकर नौकरी कर लें। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो एक लंबे समय तक नहीं बैठ सकते थे, उन्हें वापस अपनी जॉब पर जाना पड़ा। ठीक है, यही कारण ना धीमा होने का आंदोलन का। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील जो है सरकारी अदालतों में काम करने के लिए आ गए। अब एक घटना आती है, चोरी चोरा की घटना। ये गोरखपुर में हुई थी। ये क्या घटना थी, फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसे हम चोरी चोरा घटना के नाम से जानते हैं। जब गांधी जी को ये खबर फैली कि इस तरह से की घटना हो गई है, अहिंसा हो गई है, तो उन्होंने क्या करा, असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जो है हिंसक हो गया है सब। ठीक है, और सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल पॉलिटिक्स में वापसी के लिए की थी। साइमन कमीशन 1928 में आया था जिसका बहिष्कार किया गया। फिर उसके बाद 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और फिर दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर ऐसे आंदोलन आपका स्लो पड़ गया, वो ख़त्म हो गया 92 में, वापस ले लिया गया था जब चोरी चोरा की घटना हुई थी। फिर उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्य के काउंसलिंग के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए चाहते थे। राज्य के काउंसलिंग का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई और काउंसलिंग की राजनीति में भागीदारी की वकालत करने लगे। फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने नए नेता जन आंदोलन पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। यह कांग्रेस में अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध का एक काल था। इस काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में महसूस किया गया था। फिर क्या हुआ, 1926 में खाद्यान्नों की कमी गिरने लगी। 1930 में जाके हुए कीमतें मुंह के बल गिर गई। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश जो है तबाही का माहौल था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो लोगों को अब न केवल ब्रिटिश के साथ सहयोग से इनकार करने के लिए कहा गया, बल्कि अब औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा गया। गांधी जी ने कहा कि जो उनके अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून है अब उनको नहीं मानेंगे, अब उनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या करा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, लोगों से शराब की दुकानों को लेने के लिए कहा गया। ठीक है, किसानों को राजस्व चौकीदारी करों का भुगतान ना करने के लिए कहा गया। छात्रों, वकीलों, गांव के अधिकारियों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, कार्यालयों में उपस्थित ना होने के लिए कहा गया। साइमन कमीशन क्या है, अंग्रेजी सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन का गठन किया। जो किस लिए आया था, वो भारत में इसलिए आया था कि संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए आया था, कि उसमें कुछ सुझाव देने के लिए आया था कि कुछ बदलाव हो सके। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, जिसकी वजह से भारतीयों ने जो है इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, उनका स्वागत किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल थी। 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की और इशारा किया था, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं बताई गई। उसने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का न्योता भी दिया
उग्र नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे, लेकिन अंग्रेजों में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग पारित की गई। फिर उसके बाद जो है 26 जनवरी 1930 को संविधानता दिवस घोषित किया गया कि अब हम जो है हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। लोगों ने आह्वान किया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, लेकिन इस कार्यक्रम को जनता का दबदबा समर्थन भी प्राप्त हुआ। फिर यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों के साथ संविधानता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। फिर आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है, महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश का एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, कि नमक जो है गरीब और अमीर सबका हक है। तो गांधी जी ने अधिकांश लोगों ने, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, इस सोच को हास्यपद करार दिया। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा जिसमें 11 मांगे थी, डिमांड थी, जिनमें से एक था नमक कर को ख़त्म करना। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जो अमीर और गरीब लोग हैं उनका समान रूप से अधिकार होना चाहिए नमक पर, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो पत्र है वो एक अल्टीमेटम था, और अगर 11 मार्च से उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उन्होंने सविज्ञ अविज्ञ आंदोलन शुरू करने की धमकी दे दी। तो महात्मा गांधी ने अपने विश्वसनीय स्वयंसेवकों में से 78 के साथ अपने प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की, क्योंकि इरविन ने मांगे को मानने से मना कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, दांडी मार्च आंदोलन शुरू करा। ये जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक की 2240 मील की दूरी तय करी। महात्मा गांधी जी को सुनने के लिए हजारों लोग भी रुके, और उसने उन्हें बताया कि स्वराज से उनका तात्पर्य क्या है। उन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह से शांति के लिए आग्रह किया। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। औपचारिक रूप से उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, समुद्र के पानी को उबालकर नमक का निर्माण किया। इससे सभी ने अविज्ञ आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन में किसने भाग लिया, देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन भी सक्रिय थे। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारियों उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए बेचने से इनकार कर दिया, करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध किया, रैलियों, बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। अछूतों द्वारा आंदोलन की सीमा कम भागीदारी पृथक मतदाता के लिए अम्बेडकर और 1932 में पूना संधि कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन द्वारा ल्यूक गर्म प्रतिक्रिया क्या थी। फिर आती है 1932 की पूना संधि के प्रावधान। पूना पैक्ट क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें केंद्रीय प्रांतीय परिषदों में उदास वर्गों को यानी कि दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाना था। सामूहिकता की भावना क्या है, यद्यपि राष्ट्रवाद एकजुट संघर्ष के अनुभव से फैलता है, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों प्रतिक्रियाओं ने भारतीय की कल्पना को पकड़ दिया, तो सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया। अब इसमें क्या था कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद किस तरीके से आया, किस तरीके से लोगों ने अपने विचार रखे, तो पहला है आकृतियों या चित्रों का उपयोग। भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ नेत्रहीन रूप से जुड़ी हुई थी। माता की आकृति के प्रति समर्पण को एक राष्ट्रवाद के प्रमाण के रूप में देखा गया। भारतीय लोकगीत कैसे थे, राष्ट्रवादियों ने लोकगीतों और कहानियों की रिकॉर्डिंग और उपयोग करना शुरू कर दिया। जो उन्हें विश्वास था कि पारंपरिक संस्कृति की एक सच्ची तस्वीर दी गई जो भारी ताकतों का दूषित और क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए इनका संरक्षण किसी भी राष्ट्रीय पहचान की खोज और इसके अतीत व मूल्य की भावना को बहाल करने की एक तरीका बन गया। झंडे को चिन्हित किया गया, उनका प्रतीक बनाया गया। तिरंगे झंडे को उतारना, मार्च के दौरान इसे धारण करना, प्रतीक बनाना, ठीक है, सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या, भारतीयों ने कला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति आदि के क्षेत्र में प्राचीन काल के गौरवशाली विकास को फिर देखने के लिए अतीत की देखना शुरू कर दिया। इस गौरवशाली समय के बाद पतन का इतिहास सामने आया जब भारत ने उपनिवेश बना लिया, जैसा कि उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय इतिहास को बुरी तरह से लिखा गया था। ठीक है, तो बच्चों मेन टॉपिक जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिए हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।